रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जी। मैं अभी इसी के मुतल्लिक पढ़ रहा था, सऊदी अरबिया में रहते हुए सोशल मीडिया के मुतल्लिक यानी कि नेट यूज़ करने के मुतल्लिक आपको पहले मैं वार्न कर चुका हूँ कि आपने किस टाइप से जैसे मर्जी चलाएं यार, 300 GB वाला पैकेज ले लें, मंथली अनलिमिटेड ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यूज़ कैसे करना है इसके मतलब मैं अल्लाह से वीडियो शेयर कर चुका हूँ यार। अभी इस वीडियो में क्या वो बेस्ट शेयर, वीडियो लंबी होती है खाम खाम। आज एक भाई की तरफ से मुझसे ये भी रब्ता किया गया जी कि भाई VPN के मतलब आपने एक वीडियो अपलोड की थी और उसके मतलब आपने बताया नहीं कि VPN एयरपोर्ट के ऊपर क्या VPN के मतलब पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, या एयरपोर्ट के ऊपर VPN मोबाइल में चेक किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो वो अपने बाद में वीडियो नहीं अपलोड की थी। तो यार बात तो उनकी सही है, वैसे वो मुझे भी याद नहीं रहा बाद में, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको साथ कल एक वीडियो शेयर कर दूंगा इसके मतलब मुकम्मल तफसील से कि VPN के मतलब एयरपोर्ट के ऊपर क्या कुछ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। अभी वो मुझसे ये पूछ रहे थे बेसिकली कि मैं VPN भाई इस्तेमाल करता हूँ लेकिन व्हाट्सअप के लिए, आपको पता है VPN लगाना पड़ता है सऊदी अरबिया में व्हाट्सअप के कॉल के लिए यानी कि पाकिस्तान में। वैसे आप कोई भी किसी किस्म की, बोल रहा था मैं कोई किसी किस्म की भाई वेबसाइट ओपन नहीं करता अभी सिर्फ व्हाट्सअप के लिए। तो मैंने उनको आगे से ये बोला था कि है तो गैर कानूनी ये काम, लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर इसे भाई अपने एहतियात से कीजिएगा, वरना आप शूटर वगैरह ने अगर आपका मोबाइल चेक कर लिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। हालांकि मेरे एक दोस्त का खुद से चेक हुआ, वो निकला जी इस तरफ से बाप अब्दुल अजीज़ से, यानी कि जद्दा से आया ना बाप, सामने बाप अब्दुल अजीज़ यानी मलक फाहद वाली साइड से। वो बोलता है मैं घूम कर जा रहा था बाब अब सलाम मस्जिद नबवी में, सॉरी हरम शरीफ में खाना काबा, वो ऊपर से घूम कर जा रहा था बाबुल सलाम है जी पीछे वाली साइड पर यानी कि जन्नतुल मुअल्ला की तरफ, और वहाँ पर वो रहा ताइफ की टैक्सी होती है वहाँ से मिलती हैं बाबुल सलाम से आगे थोड़ा, तो वो ताइफ जाने वाला था, हम ताइफ में उस वक्त मुकीम थे। तो वो रहा मैं जा रहा था तो रस्ते में ही मुझे एक शूटर ने रोका, तो मैं मोबाइल अपने देखता जा रहा था, मुझे बोला मोबाइल चेक कराओ, उसने मेरे मोबाइल की गैलरी चेक की थी सारी को, कोई किसी किस्म की ये पिक्चर वगैरह या कोई वीडियो तो नहीं, गैर अखलाकी बना रहा है, किसी खातून की पिक्चर तो नहीं दे रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी नजर रखिएगा। तो बहरहाल जी न्यूज़ के मतलब बात यह है जी, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सऊदी अरबिया में रहते हुए, हर बंदा यूज़ करता है यार, आप किसी ना किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो गए, ऐड यानी कि बंदों ने ग्रुप बनाए होते हैं ना, आप किसी ग्रुप में ऐड होंगे या आप ग्रुप एडमिन हैं, ठीक है जी, यानी कि आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें बंदों को ऐड किया हुआ है, या आप किसी ग्रुप में ऐड हैं खुद से, तो इस चीज़ के ऊपर अभी फाइन मुतारफ करवा दिया गया इस चीज़ के ऊपर। मसलन जैसा कि मैंने एक व्हाट्सएप बनाया जी और मैं एडमिन हूँ व्हाट्सएप, उस ग्रुप का एडमिन हूँ मैं, हूँ मेरा ग्रुप है वो, मैंने उसमें बंदे रखे हुए हैं जी, जो भी खबर देता हूँ जैसा कि ये यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको दे रहा हूँ, तो या कोई भी बात करता हूँ तो वो तमाम जितने भी ग्रुप में के मेम्बर है ना सबको जाती है, ठीक है जी। तो इस सूरत में अगर ग्रुप का मेम्बर कोई भी किसी किस्म का पॉर्न कंटेंट, ठीक है जी, अभी आप समझ चुके हैं जी इसके मतलब, हम अगर सिंपल फॉर्म में बात करें तो सेक्सुअली कंटेंट कोई भी किसी किस्म का वो शेयर करता है अपने ग्रुप के अंदर, उसमें ये नहीं है कुछ वीडियो, उसमें कुछ पिक्चर भी हो सकती हैं, न्यूड पिक्चर हो सकती हैं, ठीक है जी, ऐसी कुछ पिक्चर शेयर करता है या कुछ ऐसी गैर अखलाकी वीडियो शेयर करता है उसमें, जिसमें किसी हुकूमती मामलात को लेकर कोई किसी किस्म की गलत बात की जा रही हो, तो वो अच्छा इसमें आप देख रखे हैं, आपका तो कोई कसूर नहीं है जी, आप तो उसके ग्रुप के मेंबर हैं, आप देख रखे हैं, आपके ऊपर कोई फाइन नहीं होगा, आपको छूट है जी इस चीज के ऊपर। वो जो ग्रुप का एडमिन है ना वो पकड़ा जाएगा, हाँ अगर आप में से कोई बंदा उसके ग्रुप में ऐसे मवाद शेयर कर देता है उस सूरत में वो बंदा भी पकड़ा जाएगा जो शेयर करेगा, और ग्रुप का जो एडमिन है वो भी पकड़ा जाएगा, और इसके ऊपर 3 लाख रियाल का फाइन और 6 माह की कैद है जी। तो तमाम परदेसी भाई एहतियात कीजिएगा, व्हाट्सअप यूज करें जैसे मर्जी, नो टेंशन, जैसा मर्जी मवाद आप अपनी फैमिलीज यानी कि पाकिस्तान में बैठी हुई हैं वहां पर भेज रखे हैं, वहां से आ रखा है, वो आपका पर्सनल डाटा है, लेकिन आप किसी ग्रुप का किसी यानी कि ग्रुप मेंबर बनाकर उसमें ऐसा कुछ शेयर करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, आपके ऊपर ये फाइन वगैरह और जेल होगी।